السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ایک سونگ کی 53 3G ڈیوائس آئی ہے ان لاک ہونے کے لیے. ہم اسے USB کیبل کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ ڈیوائس میں دوسرے نیٹ ورک کی سم لگی ہوئی ہے موبی لنک کی اور ڈیوائس لاک ہے. سب سے پہلے ہم اس کے ڈرائیور انسٹال کریں گے جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے. چونسٹھ بٹ آپ کی ونڈو ہے تو اس کے مطابق ڈرائیور انسٹال کریں گے. اگر 32 بٹ ہے تو اس کے مطابق انسٹال کریں گے. ڈرائیور سیٹ اپ انسٹال کرنے کے پاس یہ اگلا آپشن ڈرائیور سیٹ اپ کا انسٹال کرنا ہے. یس اس کے بعد ایف سیریل کے ڈرائیور آپ انسٹال کریں گے. ڈرائیور انسٹال ہو گئے. ابھی ہم اس ڈیوائس کو ڈی سی این لاکر میں سرچ کرتے ہیں. ڈیوائس نے اپنی ڈیٹیل شو کر دی ہے. اس کو ہم ATBOTLOAD کی کمانڈ دیتے ہیں. اس پر اس کو سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں. ڈیوائس ناٹ ریکاگنائز آ رہی ہے. ہم اس کو ایک بار ری سیٹ کر کے دوبارہ کنیکٹ کریں گے. ڈیوائس کو ہم نے دوبارہ ری سیٹ کر کے کنیکٹ کیا ہے آن کر کے.
डिवाइस को दोबारा सर्च करते हैं। डिवाइस को गॉट लोड की कमांड देते हैं। डिवाइस मैनेजर में जाएं, देखें कि डिवाइस पोस्ट शो कर रही है या नहीं। डिवाइस ने पोस्ट शो कर दी है। अभी हम इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। फाइल इस पर रन होनी स्टार्ट हो गई है। डिवाइस रीस्टार्ट हो गई है हमारी। हमने हवावे कैलकुलेटर खोलना है और इसमें ये IME इसका जो लिखा हुआ है ओरिजिनल उसको कॉपी करना है और इसमें पेस्ट कर देना है। इसको कैलकुलेट करते हैं। वर्जन 2 कोड को कॉपी कर लेना है अभी। इसके लिए कमांड देनी है हमने ATCardLock बराबर हमें एरर दे रहे हैं। इस पे हम वर्जन 201 का कोड इंटर करते हैं। ओके हो गया। अभी हमने कमांड देनी है ATCardLock डेटा लॉग पे एरर दे रहा है, तो इसका भी अभी हल करते हैं हम। ओके हो गया। अभी हम इसका IME नंबर चेंज करेंगे। ATCardNumber बराबर IMEI कॉमा
इसने एरर दिया है। हम डिवाइस को पहले एक बार रीसेट कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा सर्च करेंगे और इसका आईएमई नंबर चेंज करेंगे। डिवाइस को हम सर्च करते हैं। आईएमई हमारा चेंज हो गया। हमने डिवाइस को रीसेट कर दिया। हमारी कोई भी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ऑनलाइन अनलॉकिंग के लिए हमारे नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर लेने के लिए भी आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसकी अभी हम सेटिंग में जाते हैं डिवाइस की, इसको लॉग इन करते हैं। और इसका आईएमई नंबर चेक करते हैं। आईएमई नंबर चेंज हो गया, डिवाइस मुकम्मल तौर पर अनलॉक हो गई है। डिवाइस हमारी मुकम्मल अनलॉक हो चुकी है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।